हे पोकेमोन फैमिली, ये मेरे पीछे एक प्यारा सा सनराइज हो रहा है और मैं साथ साथ एंजॉय कर रहा हूँ जरा सा सनबात। और पिछले पार्ट के अंदर मैं आराम से हरा चुका था ग्रास टाइप जिम लीडर को, और अब मैं थोड़ा आगे जाने की सोच रहा हूँ, जो है कुछ लेजेंड ऑफ पाथ, पता नहीं क्या है वो, कुछ टीम स्टार का जो बॉस है फायर टाइप मीला करके, उससे पहले मैं हराऊंगा। और इस सनराइज कितना प्यारा है, पहले इसे एंजॉय कर लें। और अब जरा मैप में जरा ध्यान दूंगा थोड़ा सा किधर जाना है मुझे। इस सिटी से बस थोड़ा सा ऊपर ही है और ये स्टाफ हॉल स्ट्रीट है फायर क्रू बेस। वेल, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है एज पर करंट लेवल भी, क्योंकि ये इनके बॉस थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा पार्ट स्किप करके आ गया हूँ थोड़ा स्टार क्रू बेस के पास में। और ये सिटी सामने कितनी मस्त लग रही है यार, इसकी लाइटें देखो। आई थिंक यहीं पर वो लड़ाई होगी, इलेक्ट्रिक टाइप जिम बैटल की लड़ाई होने वाली है यहाँ पे। चलो फिलहाल ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है, मुझे इससे पहले मुझे अपना स्टार क्रू बेस जाना है। और ये एरिया मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर चुका हूँ, कुछ पोकेमोन्स थे जो मुझे अच्छे लगे वो मैं पकड़ चुका हूँ। ओके, बातों को उसके मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, बस अंदर जाना है, लड़ना झगड़ना है और जीतना है। और सामने एक गार्ड बैठा होगा, पहले उसको पीटना है, उसके बाद ही दरवाज़ा खुलेगा। एंड देयर यू गो, गार्ड से फाइट होने वाली है स्टार्ट। आ जा मेरे यार। वो यू कैन बी देयर इफ़ यू डोंट क्लियर आई विल हैव टू। इनकी इंग्लिश कितनी अजीब सी है, लाइक कोई स्टाइलिश तरीका है। वेल ऑलराइट, टाइम टू सेल्फ डिफेंस, नॉट राइट, व्हाट द हेल इज दैट। ओके, जो भी है, इसने टीम स्टार का जो ये गार्डियन है बाहर का, ये इससे पहले लड़ाई होगी। हाउ डू, एक पपी लाया मेरे सामने। क्वैक्सवेल तो इसको भी वन शॉट कर देगा क्योंकि वो फायर और डार्क टाइप पोकेमोन आई थिंक। वाटर पल्स यूज करता हूँ, 31 लेवल इज टू मच। वन शॉट, एज एक्सपेक्टेड वन शॉट से ही वो मर गया। दूसरा पोकेमोन इसके पास है कि नहीं है। ओह इम्प्रेसिव, मेरा लेवल और बढ़ गया। आई डिफेंडेड मायसेल्फ ऑलराइट। मैन यू आर क्रेजी स्ट्रॉन्ग। वेट, आर यू दैट किड हु डिक्लेयर वॉर ऑन टीम स्टार? कम मिस्टर मेगाट्रॉन। Wow, thanks for the terrible news, man. Excuse me while I book the... Hasta la vista. Ya te digo, broma, sé. ¿Y फिर से आ गया? KSP told me to scope out the fire crew base. I thought I'd come give you backup now I am through. Backup? चलो, थोड़े help मिल जाएगी, but... इससे थोड़ा टाइम भी बचेगा। और ये पोकेमोन यहाँ पे क्या कर रहा है? फूफू, इज दैट यू कार्लोस? फूफू, आई थॉट सो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इज दैट योर पोकेमोन? दैट्स कार्लोस द कार कैडेट। फूम इज ऑन द पोकेमोन द एकेडमी टेक्स केयर ऑफ विद द ग्राउंड्स। ओके, क्यों? मतलब ये इसका पोकेमोन नहीं है? ओह, इसका कोई कनेक्शन है, इसकी भी कोई हिस्ट्री है टीम स्टार के फायर वाले बेस के साथ। लेट्स सी क्या हिस्ट्री है। गार्ड को हरा दिया और सीधा उसका कॉल आ गया। ये मेरे को कहाँ देख रही है क्या कहीं से? शी स्पाइंग ऑन मी? ओह, तो मुझे मेला को हराना है जो कि तगड़ी बॉस होने वाली है। That's my new best movie is to take down all. Oh, मुझे सबको हराना पड़ेगा, तो ये तो काफी ज्यादा लंबा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो okay. चलो फिर चलते हैं अंदर। Yeah. तो टीम को ऐसे कर लेता हूँ, तीन पोकेमोन स्टार्टिंग के चाहिए ना तगड़े। ओके, लेट्स गो। अब जरा रेट मारते हैं इस स्टाफल बेस के अंदर फर्स्ट थ्री मेंबर्स। या आई एम टोटली फाइन विद द फर्स्ट थ्री मेंबर्स आई हैव करंटली। ओह, क्या एंट्री है,
मेरा वो क्वैक्सवेल तो पहले ही बाहर आ चुका है. केयरफुल नाउ मीट्स टू मेगाट्रॉन थीम स्टार हैज अ यूनिक वे. दे कॉल इट अ स्टार बैरेज. ओके ओके मतलब मुझे वो मल्टीपल पोकेमोन रखेंगे और मुझे अपने पोकेमोन को बाहर फेंकना है. वो आराम से लड़ेंगे. लेट्स सी ये कुछ इंटरेस्टिंग तरीका है लड़ने का. सो स्टे शार्प. चलो मैं कम से कम ये मुझे पूरा फार क्राई 3 वाली वाइब दे रहा है कि कैसे इनके हॉर्न बजते हैं जैसे कोई अंदर आता है और वो सारे उनकी जो लोग होते हैं सारे आने लगते हैं. 30 पोकेमोन माने 10 मिनट के अंदर और उसके बाद ही बॉस अपीयर होगा. ओके तो मेरे पास 10 मिनट का टाइम है. मुझे 30 पोकेमोन मारने हैं. दैट्स क्रेजी. लेट्स गो. वो अपने पोकेमोन्स फेंक रहे हैं. ओके मेरे को अपने पोकेमोन फेंकना है. वो भी लड़ने जाएगा. ये गया एक इधर. ओके फ्लेचेंडर को मैं इधर भेजता हूँ. और पीछे कोई है पिकाचू जाओ. ऊपर मैं काफ़ी तेज़ी से हरा पा रहा हूँ पोकेमोन्स को. मेरा क्वैक्सवेल तो भयंकर तगड़ा काम कर रहा है. क्वैक्सवेल इसको पीटो यार. ओके पिकाचू की काफ़ी एचपी जा चुकी है और फ्लेचेंडर भी काफ़ी अच्छे से मार चुके हैं. सारे पोकेमोन मार दिए फ्लेचेंडर ने. कमाल की बात है यार. बस दैट्स इट. मैं ऊपर से कैमरा एंगल देख रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा इजीली दिख सके कि कितनों की पिटाई मुझे अभी करनी है. ओके चार हाउंडूर और दिख गए हैं. ये लव वाला सिंबल इसमें मुंह पे आ रहा. यहाँ पे ग्राउंड वगैरह फायर टाइप है और वाटर टाइप क्वैक्सवेल तो इन्हें बहुत प्यार से मार देगा. ओके और कोई पोकेमोन है यहाँ पे? थोड़ा आगे और जाना चाहिए मुझे. ये रे वोल्केनॉग के छोटा वर्जन पिकाचू मेरा ऑलमोस्ट मर गया है. गया मेरा पिकाचू. चल मैं इधर के पोकेमोन जरा निपटा देता हूँ. थोड़ा आगे के खत्म यहाँ के. फ्लेचेंडर ज़्यादा इनको निपटा देगा. सही रहेगा. फ्लेचेंडर के पास मूव्स है लाइक पैक पीक जो कि बहुत बढ़िया है और इन्हें तो आराम से मेरा क्वैक्सवेल ही उड़ा देगा. अगर मेरे पास सर्फ मूव आ जाए तो क्वैक्सवेल का सिर्फ एक सर्फ मूव है जो सबको उड़ा देगा एक साथ ही. 23 डन ड्यू टू क्विट द स्टार बैरेज. नाउ मैं वैसे हील का ऑप्शन देख रहा था. मैं क्या पिकाचू को रिवाइव कर सकता हूँ या फ्लेचेंडर को हील कर सकता हूँ बट कोई ऑप्शन दिखाई नहीं. सिर्फ चार और मारने हैं और होपफुली वो चारों एक साथ ही हों. वो रे तीन तो दिख गए, चार दिख गए. नाइस. मेरा क्वैक्सवेल इन चारों को आराम से निपटा देगा. पीछे न्यूमल भी है जो कि एक ही है पर जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी. फ्लेचेंडर साथ में खड़ा है. तुम बस मूवी देखो स्ट्रॉन्ग टाइप पोकेमोन कितने तगड़े होते हैं. क्वैक्सवेल को इन्होंने एक एचपी तक कम नहीं की. लेवल 31 का कुछ फ़ायदा हो रहा है. इनका बेस कितना ज़्यादा बड़ा है. मैं पीछे तक देख सकता हूँ. इनका बेस तो और भी बड़ा है. बोल मैं गैराडॉस को हमेशा अपनी टीम में रखता हूँ जब मेरे पास कोई फायर टाइप मतलब वाटर टाइप पोकेमोन नहीं होता. और ये क्या एंट्री है यार, क्या गाड़ी है. ये मुझे चाहिए. ये गाड़ी कितनी सही में तगड़ी है. बॉस ऑफ टीम स्टार फायर स्क्रू मिला. So you're the dope kid who picked the fight with her. Don't know. I don't care. You challenge us, so we'll beat you down. Prepare to get messed up. Iska English dub jo hai kafi zyada interesting hone wala hai is anime ka. Damn entry. Oh bhai. Bhayankar gusse mein mila to. Pehla Pokemon seriously. भयंकर गुस्सा और पोकेमोन कैसा सलाही है. वाइट देयर राइट नाउ यू आर गोइंग डाउन. 31 लेवल का क्वैक्सवेल है और सामने वाला टर्कोल का लेवल मुझे देखना है. अगर तो ज़्यादा है 27 है उसका. लड़ाई मुश्किल होने वाली है. एक्वा कटर यूज करता हूँ. उसका डैमेज अच्छा. ओ माय गॉड. मेरी पिटाई होने वाली मुझे लग रहा है. That was the rest of the Squirtle Squad. Damn, यार इसके पास सिर्फ दो पोकेमोन है और इसके पहले पोकेमोन ने मुझे डरा दिया है. वॉटर पल्स यूज करते हैं. होपफुली ये कंफ्यूज हो जाए. आधी एचपी जा चुकी है और कंफ्यूज हो गया. नाइस. नॉर्मली कंफ्यूजन से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. अपने आप को डैमेज वो ना के बराबर ही लोग करते हैं. सी वो कंफ्यूज हुआ बट उसने खुद को डैमेज नहीं किया.
क्रिस्टलाइज में हमेशा एंड के लिए बचाना चाहता हूँ, बट मुझे रिस्की लग रहा है तो मैं अभी यूज़ करता हूँ। कहीं पता चले कि मैं हार गया। ओके लेट्स गो एक्वा कटर, अभी से वन शॉट होना चाहिए। सीरियसली तो टेरेस्टलाइज करने का फायदा ही क्या जब वो वन शॉट नहीं किया तो? इससे अच्छे तो जी मूव्स थे, जो जी मूव्स तो डेफिनेटली मारता था। इट ओ नाइस, वो कंफ्यूज हो गया, उसने फाइनली खुद को डैमेज दिया, मुझे और डैमेज नहीं मिला। उसका पहला पोकेमोन तो हार गया, बट फर्स्ट पोकेमोन हमेशा एनिमीज के इजी ही होते हैं। सेकंड पोकेमोन जो होता है वो होता है मेन। वेव रूम, ये कैसा पोकेमोन है भाई? कोई नया पोकेमोन है इसका? बंचो क्रिप जस्ट, उसकी गाड़ी ही पोकेमोन है, ये किस तरह का पोकेमोन है भाई? स्टार मोबाइल 26 लेवल की है, चलो लेवल तो बताया उन्होंने, और ब्लेजिंग टॉर्च मारा और मेरी एचपी काफी गई है। चलो अच्छा, वो फायर टाइप पोकेमोन है और मेरे वाटर टाइप पोकेमोन है, मुझे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। अच्छा डैमेज दिया, वाटर बॉल्स यूज करता हूँ, होपफुली मैं कंफ्यूज कर दूँ। मरना नहीं यार, उसकी स्पीड भी तेज हो चुकी है, वाटर बॉल से कंफ्यूज हो जाए तो मुझे काफी फायदा होगा। द हार्श सनलाइट फेडेड, तो इसकी हर मूव के साथ स्पीड ज्यादा बढ़ती रहेगी। मेरा डकी जो है वो स्पीड में स्लो है कंपैरेटिवली। गया, ओह नो, मुझे रिवाइव करना पड़ेगा, मेरी टीम में और भी पोकेमोन नहीं है जो इसको हरा सके, इस स्टार मोबाइल को। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। चार्कडेक्ट, आई थिंक ये पोकेमोन जो है मेरे को एक चीज अच्छी लगी है, फायर टाइप मूव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अगर सामने से कोई फायर टाइप मूव आएगा तो ये उसका पूरा प्रॉपर फायदा लेगा। पहले रिवाइव करता हूँ, जब बस कुछ एक्स्ट्रा रिवाइव्स थे कुछ काम आएगा। अब अगर वो फायर टाइप मूव यूज करता है तो मुझे बढ़िया फायदा होगा। स्क्रीच, स्क्रीच से सिर्फ डिफेंस ही गिरता, राइट? क्या तो कोई नुकसान नहीं है ज्यादा। और अब मैं पहले उसको हील ही कर लेता हूँ कंप्लीटली, और मैं उसे ही लड़ाई में लाता हूँ, कोई और पोकेमोन को क्यों मरवाऊँ फिर से। अब अगर मैंने पोकेमोन चेंज किया, ओवरहीट, ओह माय गॉड, ओह अच्छा मेरा पोकेमोन बना ही फायर का, वरना ओवरहीट एक ऐसा मूव है जिसकी पेस एचपी ही 150 कुछ होती है, 150 या 120 होती है, बहुत स्ट्रांग मूव होता है। स्विफ्ट नॉर्मल टाइप मूव है, विल ओ विस्प का यूज, इट इज नॉट इफेक्टिव, नाइस। तो इसे मैं थोड़ा सा पॉइजन दे देता हूँ, डैम ये तो मेरे इसको मार ही देगा अगले मूव। ओह That's a lot of damage. कोई फायदा नहीं है, यही देता हूँ, और कोई मूव का इस पर असर भी नहीं होने वाला। ओके नाउ आई कैन विन दिस मैच, मेरा को एक्सवेल जो है वो अब इजीली जीत सकता है इसे अपोजिशन में। पहले पीकेचू खुलाते हैं, पीकेचू से इसको मैं थंडर शॉक वगैरह दूंगा ताकि ये पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज होने से फायदा होगा कि मेरे अगले पोकेमोन को ये वन शॉट नहीं कर पाएगा, मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा कि मैं क्वैक्सवेल से इसे इजीली मार सकूं। लेट्स गो विद थंडर शॉक, फिर से कोई असर नहीं पड़ा। स्पार्क वन शॉट, मत वन शॉट उसने मेरे पीकेचू को मार दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा पीकेचू कुछ काम का होगा, कुछ स्ट्रांग पोकेमोन होगा, बट नो मेरा पीकेचू भी मारा गया। ओके अब मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला, और पोकेमोन्स को मैं नहीं मरता देख सकता। क्वैक्सवेल लेट्स फिनिश दिस। एक्वाकटर यार उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। ओके नाइस, 78 एचपी स्टिल लेफ्ट, ज़्यादा कोई डैमेज नहीं दिया उसने, और मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। तो टेरेस्टलाइज करने का कुछ फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता? सामने वाली गाड़ी से धुआं निकल रहा है, और नेक्स्ट मूव के अंदर मैं ये राउंड जीत जाऊँगा। जी,
तो इन शॉर्ट टेरेस स्लाइस करने का कोई फायदा नहीं था। Is this really how it's gonna end? What the hassle? About a year and a half ago. Oh, कोई past history दिखा रहे हैं इसकी। Just in time. Welcome back, Millie. अच्छा ये पांचों लीडर हैं। Let me guess, वो जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है, पिंक पिंक सा, उसने फेरी टाइप है। वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि फेरी टाइप पोकेमोन्स, फेरी एंड स्टील टाइप, ये दोनों दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप है एक तरीके से देखा जाए। स्टील चलो मेरे पास फायर टाइप पोकेमोन हो जाएंगे, बट फेरी के लिए मुझे पॉइजन टाइप पोकेमोन स्पेशली रखना पड़ेगा, या फिर मेरे को अपने ही इस वाटर टाइप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा मैं किसी को भी हरा सकूँ। The girl at the academy always have been jealous of how cute Melly is. She just put on a surly attitude so they stop picking her. Oh? Melly वैसे cute इतनी ज़्यादा? Not you too, Harry. Big event. ये गाने वाला पोकेमोन कौन से पोकेमोन यूज करेगा? ये गाने वाला बंदा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, वो जो दूसरी पिंक वाली है आई थिंक, ये ब्लैक एंड व्हाइट तो मुझे लग रहा है गोस्ट टाइप पोकेमोन या फाइट स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप पोकेमोन यूज करने वाली है, और ये जो पिंक वाली है ये आई थिंक कोई गोस्ट टाइप पोकेमोन यूज करेगी। इट्स फाइनली टाइम हाँ मैन, आई एम सो स्टार्क द थ्रिल बर्निंग मी राइट नाउ। इनकी इंग्लिश काफी अलग सी है। दैट क्वैक्स ऑफ योर्स लेट अस हैव इट, इसका चलने का तरीका। ओह वाओ, ये स्ट्रॉन्ग बंदी होने वाली है, मतलब ये हाथ तोड़ेगी बेचारे ऐश का जब भी ऐश उससे मिलेगा। तो ये कोई स्टाफ और बैज मिला है क्या मुझे? फ्लेयर चार्ज, एक अच्छा मूव, लेकिन मेरा फ्लेचेंडर ऑलरेडी जानता है ये मूव आई थिंक। Them to your flag. Quaxwell. Quaxwell नहीं सीख सकता ये मूव, दीदी फायर टाइप मूव है। इसने मेरी हेल्प क्या की वैसे? ये तो बोलने आया था मैं हेल्प करूंगा। Who are you supposed to be? Supposed to be? Foo. Wait. Foo who? Wait and Carlos. ये इसका पोकेमोन है, ये इसका पोकेमोन है। क्या चल रहा है? तो इस बंदे ने क्या इनके पोकेमोन जो टीम साफ हो रहा है, इनके पोकेमोन को पालने का कोई लिया हुआ है क्या काम शाम? चाहे पोकेमोन को तुम अबैंडन भी कर दो वो स्टिल तुम्हारे पास आएंगे। पोकेमोन एक डॉगी की तरह है, रियल लाइफ के डॉगी की तरह, कुत्ते की तरह, कंप्लीटली लॉयल। टीम स्टार फोर के साथ जब भी लड़ाई होगी तो आई थिंक इतनी सारी बातें करनी पड़ेंगी, और बातों वाला टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है क्योंकि मुझे चाहिए लड़ाइयाँ, एक से बढ़कर एक लड़ाई। लेट्स गो फाइट 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 फाइट। मॉडिफाइड कार, हाँ मुझे इसकी कार मिल जाए, स्टार मोबाइल लॉन्ग टाइम अगो। अच्छा बिग फाइट में यूज करने के लिए बनाई थी, लेकिन मैं ही आ गया बिग फाइट के लिए। हाँ ये बिग फाइट क्या चीज है? ऑपरेशन स्टार, नॉट ऑपरेशन स्टार फॉल। अरे बस करो यार इतनी बातें, इट्स मेमोरी। चलो स्टार फॉल बैच मिल चुका है और अब मैं फाइनली थोड़ा आगे जा सकता हूँ। गेम के ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे काफी ज्यादा। रो रो रो, फिर से किसी का कॉल आ रहा है। इट्स मी कैसियोपिया। ओ तो उसने अपना स्टार बैच मुझे दे दिया, तो क्या मैं लीडर बन गया यहाँ का? ऑब्वियसली नो। ओके इसकी कोई दोस्त थी क्या मेला?
Now about your reward, I'll transfer some LP. 5,000 league points. अच्छा 24,000 league points हो गए लड़के. Okay. तो यहाँ से मुझे league points मिलेंगे, मैं कुछ नए TMs में बना सकता हूँ. ज़्यादा कोई फायदा नहीं है मतलब यहाँ से. It's for fun चल रहा है मतलब ये जगह. और ये यही है वो हैकर, यही है कैसी ओपी है. पेनी नहीं है ये, कैसी ओपी है ये. अब समझा इसे नाम कैसे पता था उन दोनों का भी. So you do remember me. Introvert. As a part of my independent study, you know the treasure hunt. I'm good with machines and hacking and stuff. Hacking, yep. She said it. Lots of Pokemon materials. चल Pokemon materials से काम आ रहे हैं TMs बनाने के. मैंने अभी तक ज़्यादा TM बनाए नहीं, सिर्फ एक ही बनाया है. Pokemon Center भी बनता है वो left side पे. For most card bosses left, so good luck. कितना अजीब सब आया था. Yeah, that's it for this part. मैं इस एरिया को जैसे एक्सप्लोर कर चुका हूँ. मैं नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक टाइप जिम बैटल लड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो सिटी मुझे देखनी है वो कैसे दिखती है. वो कोई कैमरा एंगल नहीं मिलता यहाँ पे अच्छा सा. यहाँ पे देखो दूर दूर तक दिख रहे हैं, वो रहा इलेक्ट्रिक टाइप जिम बैटल का सिटी. मुझे बस सीधा जाना है वहाँ से कूद कूद के. थोड़ा सा लेवल अप पहले कर लूँगा ताकि मैं निकल सकूँ. और फिलहाल के लिए बाय.